हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम अनूप है और आज मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी इस अगली क्लास में, जो कि कंटिन्यूएशन होगी एडवर्ब का ही। दोस्तों, मैंने पिछली बार बताया था कि एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाए जाते हैं, तो हम आज उन्हीं कुछ बेसिक रूल्स पर बात करेंगे। हालांकि ये रूल्स जनरलाइज नहीं किए जा सकते सारे एडजेक्टिव्स पर, लेकिन काफी हद तक ये हमें हेल्प करते ही है, है ना। ये एक छोटा सा रूल है जिसे हम आज देखेंगे। तो चलिए हम उन बेसिक रूल्स पर बात करते हैं जिसके तहत हम किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं। तो हम उसके स्पेलिंग्स को भी थोड़ा सा चेक करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिर। बात की कि हम फॉर्म ऑफ एडवर्ब देखेंगे, उन रूल के बारे में जानेंगे कि हम कैसे एक एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल सकते हैं। हालांकि मैंने कहा दोस्तों कि इन रूल्स को सभी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, सारे वर्ड्स सारे एडजेक्टिव्स पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ बहुत सारे वर्ड्स हम इसके इन रूल्स को जानने के कारण बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है और जो एडवांस चीजें हैं उसे हम बाद में जब हम एडवांस लेवल पे लर्न करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम देखते हैं और इसको हम मैंने समय बचाने के लिए इसको लिख भी लिया है, तो हम इसको देखेंगे। वी कैन मेक एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू मेनी एडजेक्टिव्स। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम एडवर्ब्स बना सकते हैं बाय एडिंग ly टू मेनी एडजेक्टिव्स। तो बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स हैं उन पे ly एड करके हम एडवर्ब्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को मैंने बहुत ही कम लिखे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें करेंगे तो फिर समय लंबा भी खींच जाएगा वीडियो, तो हम बहुत ही क्रिस्पली और मतलब कहना चाहिए सार में हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल सैड। सैड इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमें पता है सैड एक एडजेक्टिव है और हमने इस सैड में ये ly एड किया एंड इट बिकेम सैडली, एंड व्हेन इट बिकेम सैडली इट इज नाउ एन एडवर्ब। बहुत सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसमें सैड था उसमें खाली हमने ly जोड़ा और वो सैडली बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है स्लो, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड दिस एडजेक्टिव स्लो व्हेन मीट्स विद ly सो इट बिकम्स स्लोली। यहां पर भी स्पेलिंग चेंज नहीं हुआ, स्लोली स्लो में ly जोड़े और स्लोली बना और वो एक एडवर्ब बन गया हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट, अब चीजों को देखते हैं। ये पहला तरीका हुआ। सेकंड तरीके में ये हुआ कि ये देखिए एक वर्ड है रिग्रेटेबल, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना, ठीक है। तो अफसोस करने लायक रिग्रेटेबल, तो ये एक एडजेक्टिव है और इसको जब हम एडवर्ब बना रहे हैं तो कुछ चेंज हो रहा होगा। इसको आप देखिए रिग्रेटेबल के स्पेलिंग यहां पर लास्ट में ई है, यहां पर जब हम उसको एडवर्ब बनाने के लिए गए तो ई को छोड़ दिया हमने और खाली वाई जोड़ा और ये बन गया रिग्रेटेबली, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज मिला स्पेलिंग के लिए। रूल्स हम ly का ही फॉलो कर रहे हैं, ly लग रहा है बट स्पेलिंग्स चेंज हो गई हैं, तो इसी का हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर बाद में हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये रिग्रेटेबली हो गया, यहां पर e रिमूव हो गया और वो रिग्रेटेबली हो गया। वैसे ही एक और आया हॉरिबल, इसमें भी ble आया लेकिन यहां पर abl है और इसमें ibl है, ठीक है, दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। तो हॉरिबल आया, यहां पर भी क्या हो रहा है, ये ई जो है निकल कर y जुड़ जा रहा है और ये बन जा रहे हैं हॉरिबली, भयानक रूप से, ठीक है। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक और हॉरिबली हो गया भयानक रूप से। दिस ऑल वर्ड्स आर एडवर्ब्स, ओके एडवर्ब्स। तो एडवर्ब ऐसे बन गया। अब ये दो टाइप हम देखेंगे, इसमें क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक एडजेक्टिव है हैप्पी, हैप्पी खुश, ठीक है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है और इस हैप्पी में ly जोड़ने के लिए कुछ चेंजेस हम कर दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि हैप्पी में है y हटा दिए और इसमें i ly जोड़ दिए और ये बन गया हैप्पीली। वैसे ही मैजिक भी सेम तरीके का है, सॉरी ये दोनों अलग है, हैप्पी इसमें y हटा के i ly जोड़ दिया और ये बन गया हैप्पीली, ठीक। तो ये एक तरीके का हुआ और एक तरीके में ये मैजिक आया, इसके आखिर को देखिए इसमें ic आ रहा है एक, यस। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, जादू, ओके जादुई जो भी। तो ये इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, इसमें हम ये आईसी जो है पूरी तरीके से हटकर मैच और आईसी एल ए एल एल वाई इकली, तो ये बन गया मैजिकली,
तो ये एक तरीके का हुआ। यहां पर तो हमें ये चार वेरिएशंस दिखे, चार तरीके की चीज दिखे, सब में हमने ly ही जोड़ा, बट वाइल मेकिंग इट इन रिटन वी हैव गॉट सम स्पेलिंग चेंजेस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बोलने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वाइल स्पीकिंग इन स्पीकिंग इट does not make any difficulty or it is not a problem in speaking, but when it comes to writing, जब writing की बात आती है, then you must know these spelling changes, okay? तो ये हमने देखा, लेकिन अब भी मैं यह कह रहा हूं कि but these rules cannot be generalized or applied to every adjective, ठीक है? तो इस चीज को हम ध्यान करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि हम ये rules तो देखेंगे, but हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स के साथ इंप्लीमेंट या अप्लाई नहीं किए जाते। तो ठीक है, फिर अब हम आगे इन रूल्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उन रूल्स को बहुत ही डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इससे पहले जब मैं उन रूल्स के बारे में बात कर रहा था, हमने एग्जाम्पल्स देखे और एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि किस तरीके से चीजें मतलब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब्स बना सकते हैं और कुछ वेरिएशंस मैंने दिखाया कि कैसे वो स्पेलिंग को चेंज करता है। तो उन स्पेलिंग चेंज को ही हम यहाँ पर करना चाहिए कि डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, है ना? सो लेट्स सी सम बेसिक रूल्स फॉर स्पेलिंग चेंजेस व्हाइल एडिंग एलवाई टू द एडजेक्टिव्स, ठीक है? तो एडजेक्टिव्स में हम एलवाई जोड़ते समय कुछ चेंजेस करते हैं, जैसा कि हमने देखा, हम उन चेंजेस को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से गाइस एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये रूल्स सारे एडजेक्टिव्स पर अप्लाई नहीं हो सकते, है ना? तो अपवाद होते हैं और उन चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? हालांकि बहुत सारे वर्ड्स को आप इसके हेल्प से बना सकते हैं, तो बहुत सारे का मैं हेल्प करेगा, इसलिए ये हमारे लिए काम की चीज है, ठीक है? तो इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए, तो इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एंड ऑफ द एडजेक्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव का आखिर मतलब आखिरी में कौन कौन से लेटर्स आते हैं या क्या रहता है जिससे हमको पहचानना होता है, क्योंकि ये जो पूरा जो बदलने का जो सिस्टम है वो किसी एडजेक्टिव के आखिर को ही देखकर किया जाता है कि किसके आखिर में वाई आ रहा है, कि इक आ रहा है, कि ई आ रहा है, वो सारी चीजों को ही हम ध्यान में रखेंगे, तभी हम आगे पता करेंगे कि उसमें कौन सा रूल अप्लाई करेगा, ठीक है? तो जब हमें पता चल जाए कि किसी एडजेक्टिव का एंडिंग ये है, तो व्हाट टू डू, क्या करें, ठीक है? तो उसमें हम क्या करना है, उस ये वाला कॉलम वो बताएगा, फिर एडजेक्टिव्स एग्जांपल्स में हम कौन कौन से एडजेक्टिव इस कैटेगरी में आते हैं उसको देखेंगे, फिर हम कैसे उसको एडवर्ब बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा टेबल है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला में देखिए, मोस्ट एडजेक्टिव्स मतलब ज्यादातर एडजेक्टिव्स, ठीक है? इनको अगर ये बाकी रूल्स को छोड़ दें तो जो एडजेक्टिव्स बचेंगे वो शायद इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने मोस्ट एडजेक्टिव, क्योंकि सबको नहीं लिखा जा सकता, तो हमने इसमें लिख दिया मोस्ट एडजेक्टिव्स, ठीक है? तो मोस्ट एडजेक्टिव्स में क्या होता है, व्हाट टू डू, तो भाई सिंपली एड एलवाई, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करना रहता है, जो है उसी में एलवाई जोड़ दिया जाता है, ओके? तो सिंपली वी एड एलवाई टू द एडजेक्टिव इटसेल्फ विदाउट डूइंग एनी चेंजेस टू दिस टू इट, ओके? सो एडजेक्टिव्स, चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं कौन कौन से एडजेक्टिव्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने यहां पर लिखा सिंपल, केयरफुल, होपफुल, क्विक, नाइस। मीनिंग्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लगता है मुझे सरल, है ना? सहज, केयरफुल सावधान, होपफुल आशावादी, क्विक तेज, नाइस अच्छा। तो मीनिंग्स पे नहीं जाऊंगा, वो सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब लोग को पता, ठीक है? तो एडजेक्टिव्स ये हो गए। अब इसमें एडवर्ब्स बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ा, सिंपली बिना कोई चेंज, सॉरी इसमें ये नहीं आता, सिंपल नहीं आएगा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूं, देखिए गड़बड़ हो जाएगा, है ना? वो इस कैटेगरी में जाएगा, तो हम उसको देखेंगे उस तरीके से। तो इसमें केयरफुल, होपफुल, क्विक और नाइस, इसको हम रख लेते हैं। कोई और चीज ले लेते हैं, सैड ले लेते हैं, ठीक है? अब ये हो जाएगा सैडली, ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये सैड बन गया सैडली, कुछ नहीं किया हमने, एलवाई जोड़ा, केयरफुल में एल पहले से है, एलवाई लग गया, केयरफुली, नाइसली, क्विकली, होपफुली। तो यहां पर होपफुल का हो गया होपफुली, क्विक का हो गया क्विकली और नाइस का हो गया नाइसली। हमने सिंपली गलत थोड़ा सा लिख दिया था, वो दूसरे कैटेगरी का है, सैड हो गया सैडली, ठीक है? तो ये हो गया पहला रो खत्म। अब हम चलते हैं दूसरा। तो ये सारे ज्यादातर एडजेक्टिव में हमने क्या किया, खाली एलवाई लगाया और चीजें बना दी। दूसरा जो टेबल है उसमें ये कर रहे हैं कि हम एबल जो एडजेक्टिव होगा उसके आखिरी में ए बी एल ई आएगा या फिर आई बी एल ई आएगा, ठीक है? ए बी एल ई या फिर आई बी एल ई, इसको हम
तो अगर ए बी एल ई और आई बी एल ई किसी एडजेक्टिव के आखिर में आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, व्हाट टू डू, तो हम क्या करेंगे, चेंज ई, तो ये जो ई आएगा आखिरी में इसे हम वाई में चेंज कर देंगे, इसे हटाकर, इसे रिमूव कर हम सीधे वाई लगा देंगे। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर रिग्रेटेबल है, यहां पर ई है, सुटेबल है ई है, हॉरिबल है ई है, विजिबल है ई है, वो सिंपल जो लिखा था मैंने वो इसी कैटेगरी का, क्योंकि उसमें ई आया था तो सिंपल भी लिख सकते हैं, तो सब में ई आया हुआ है, तो हम रूल के हिसाब से क्या करेंगे, इस ई को हटाएंगे और वाई लिख देंगे, वी विल सिंपली रिमूव द ई एंड एड वाई टू दिस। तो देख लीजिए, रिग्रेटेबली यहां पर ई हटाया मैंने, एल वाई जोड़ दिया, सुटेबली सुटेबल का हो गया सुटेबली, एंड हॉरिबल का हो गया हॉरिबली, एंड विजिबल का हो गया विजिबली। ठीक, तो ये चेंजेस हमने उसने किए। अब हम तीसरे पे चलते हैं, यहां पर किसी एडजेक्टिव के एंड में क्या आए, वाई, व्हेन द एंड ऑफ एनी एडजेक्टिव इज विथ वाई, वाई के साथ हो तो हम व्हाट टू डू, क्या करें, तो इस y को चेंज करके ily, मतलब y को कंप्लीटली हटा देते हैं और ily जोड़ देते हैं उसकी जगह। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे हैप्पी, एंग्री, हैवी, इन सब के आखिर में क्या आया है, y आया है, तो इसमें हम क्या करें, इन y's को, y को हटाएंगे और ily जोड़ देंगे, तो हैप्पी का हो गया हैप्पीली, एंग्री का हो गया एंग्रीली एंग्रीली, या फिर हैवी का हो गया हैवीली। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप सर्च कर पाएंगे, इसे बस आप एक कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए कि ये चीजें कैसे होती हैं, फिर इन्हीं के साथ साथ आप चीजों का एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और साथ ही साथ जब जाएंगे आगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन सा रूल में फिट होता है और कौन सा नहीं भी होता है। चलिए, अगला जो है वो उसमें किसी एडजेक्टिव के एंड में क्या आना चाहिए, इक, आई सी, इक, जब ऐसा इक से खत्म हो कोई एडजेक्टिव, सो नाउ व्हाट टू डू, तो चेंज इक टू आई सी ए एल एल वाई, इकली, इक को हम इकली में चेंज कर देंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल देख लीजिए, इकोनॉमिक एक, मैजिक एक, ट्रेजिक एक, पब्लिक एक, सब क्लास में क्या आया है, एक आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक को हटाएंगे और इकली जोड़ देंगे, तो इकोनॉमिक का हो गया इकोनॉमिकली, पब्लिक का हो गया पब्लिकली, ट्रेजिक का हो गया ट्रेजिकली, और मैजिक का हो गया मैजिकली। तो हमने इस तरीके से इन चीजों को यहां पर देखा कि कैसे ये जो एडवर्ब्स, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते समय स्पेलिंग्स में चेंजेस होती हैं। गाइज, मैंने कहा कि ये जो रूल्स हैं वो रिटन के लिए इंपॉर्टेंट है, इन स्पोकन अब कौन पूछने वाला है कि इसके स्पेलिंग क्या होगा, स्पोकन में तो इकोनॉमिक का इकोनॉमिकली आप ऐसे ही बना सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ दीज स्पेलिंग्स आर मॉडिफाइड, ओके, एंड फॉर दैट वी नीड रूल्स, सो दीज रूल्स विल हेल्प यू टू to make you a good writer, okay? तो ये सारी चीजों को हमने इस तरीके से समझा, ठीक है? तो अब मैं इसे मिटाऊंगा और हम फिर आगे चलेंगे, एक बार इसे देख लेंगे, ठीक है? अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा गाइस कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये रूल्स जनरलाइज नहीं किए जा सकते, ठीक है? जैसे जनरलाइज कैसे नहीं किया जा सकते, मतलब कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनमें ly लगा होता है, ठीक है, few words already have ly, but they are not adverbs. इसमें कहने का मतलब क्या है कि normally हम जब अब rule देख रहे हैं तो हम ये समझ में आने लगा है कि जिसमें भी ly लगा रहता है वो एक adverb होता है, but यहां पर हमें समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे भी words हैं जिनमें ly पहले से ही लगा होता है, मतलब लगा होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते, ठीक है, वो एडवर्ब नहीं होते, तो इसको हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने देखा ये फ्रेंडली, ठीक, फिर आया लोनली, ठीक, फिर आया लवली,
फिर आया नेबरली। अब इसमें देखिए ये सब में क्या है, एल वाई लगा हुआ है, बट ये एडवर्ब्स नहीं है, ठीक है। ही इज फ्रेंडली, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक। तो ये एडजेक्टिव्स के ऐसे फॉर्म है जिसमें एल वाई लगा होता है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये क्या कहना चाहिए कि ये एडवर्ब नहीं होंगी, ठीक है, ओके। अब दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सम एडवर्ब्स हैव देयर ओन फॉर्म्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ एडवर्ब के अपने फॉर्म होते हैं, उनको एलवाई लगा के बनाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद एक एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने एडवर्ब जब हम पढ़ रहे थे तो देखा था वंस, जस्ट, टुडे, देयरफॉर, ट्वाइस, यस। तो ये सारे जो है वो नौ तरीके के एडवर्ब्स में आते हैं और इनमें एलवाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जिस बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो एलवाई तो आएंगे, जिनमें एलवाई रहेंगे लेकिन वो एडवर्ब नहीं होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें एलवाई लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एडवर्ब होते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर हमने इस हिस्से को कंप्लीट किया, चूंकि ये एडवर्ब हमने जब ये चार वीडियोज मैंने अपलोड की है, आप प्लीज उन्हें देखिएगा और उन वीडियोस को देखने के बाद ये चीज जानना बहुत जरूरी था। तो ये उसका पांचवा पार्ट होगा एडवर्ब का, जिसमें हम इस रूल्स के बारे में बात किए। तो थैंक यू गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे क्योंकि ये काम की चीज है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, ओके सर, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके गाइस, बाय।